बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे 2019-2020 बजट की, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और इसके इम्प्लीकेशन ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। सो बहुत सारी बातें मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त चल रही हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड आई टोटली एग्री विद यू गाइस के जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने पिछले 2016 से लेके 2019-20 तक रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक फर्म पॉलिसी फॉलो नहीं की। और पॉलिसी चेंजेस जो हैं, यू नो, एज ह्यूमन बीइंग्स हम जो हैं वो चेंजेस से डरते हैं, हालांकि वो शायद इतनी मुश्किल या इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती या इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, लेकिन जब नई चेंज आती है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और उस कन्फ्यूजन की वजह से चीज़ें जो हैं वो लोगों के अंदर एक डर और खौफ पैदा होता है। तो सबसे पहले समझें कि जी के मेरे अपने ख्याल से कोई मेजर ऐसी चेंजेस नहीं आई। यस, पॉलिसी चेंजेस के अंदर थोड़ी सी डायरेक्शंस उन्होंने चेंज की हैं और उनको एक वन बाय वन अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को यू नो अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के दो चीज़ें जो बड़ी पॉजिटिव हुई हैं वो 236W बेसिकली FBR और DC वैल्यू के दरमियान का डिफरेंस था। फॉर एग्जाम्पल, FBR वैल्यू वॉज 90 लाख रुपीज़ और DC वैल्यू वॉज 50 लाख रुपीज़, तो जो 40 लाख रुपीज़ बीच का डिफरेंस है उसके ऊपर 3% टैक्स था। और उसका फ़ायदा ये था कि जी के आपको 40 लाख रुपीज़ जो था वो आपको बाई डिक्लेयर नहीं करना पड़ता था, वो हैज़ बिन रिमूव। सो टेक्निकली जिस बंदे के पास पैसा वाइट है उसके लिए ये बेनिफिशियल है, जिस बंदे के पास वो पैसा वाइट नहीं था या वो डिक्लेयर नहीं कर रहा था उसके लिए नुकसानदेह है। तो इसे डबल एज शॉर्ट। सेकेंड थिंग जो है वो 236 के जो बेसिकली परचेजर का टैक्स था, ये दोनों बेसिकली परचेजर का टैक्स है, वो 2% था फाइलर के लिए और 4% था नॉन फाइलर के लिए, वो रिड्यूस हो गया 50%, यानी 1% फॉर द फाइलर एंड 2% फॉर द नॉन फाइलर, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। और ये FBR वैल्यू के ऊपर होगा। FBR वैल्यू की बात हम आखिर में जाके करेंगे कि उसके ऊपर क्या चेंजेस आएंगे। फिर बीच में हमारे पास एक या दो चीज़ें जो अनक्लियर हैं, जिनके अभी तक का FBR ने जो है वो मैंने क्लैरिटी नहीं दी है, और बजट जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद हमें उसे क्लैरिटी मिलेगी कि उन चीज़ों के अंदर क्या होना है। तीसरी चीज़ है कि नॉन फाइलर्स कैन परचेज प्रॉपर्टी, अभी इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है और वेदर उसको फाइलर डिक्लेयर होना पड़ेगा विद इन 45 डेज, क्योंकि FBR की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं, बट वंस द बजट गेट्स अप्रूव्ड और उसके बाद पॉलिसी जब क्लियरली आएगी फिर हम बता सकेंगे कि वेदर अ फाइलर कैन परचेज अ प्रॉपर्टी अबव 50 लाख रुपीज़ और उसको कोई पेनल्टी है, या उसको फाइलर डिक्लेयर होना पड़ेगा अपने आप को उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के बाद। सो इट इज़ स्टिल अनक्लियर हाउ दैट इज़ गोइंग टू हैपन, लेकिन जब होगा इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे। रिस्पेक्टेडली ये 30 जून और इसके बाद की बात है। अच्छा, उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि 50 लाख के ऊपर की इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको बैंकिंग चैनल यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बैंकिंग चैनल यूज़ करते हैं तो आप कैश पैसा नहीं दे सकते, और पहले भी एक्चुअली ये कैश पैसे कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी लोग कैश पैसा नहीं ले दे सकते थे आप, क्योंकि दैट वुड बी नॉट डिक्लेयर्ड मनी अगर आप बैंकिंग चैनल से नहीं दे रहे, लेकिन बहुत सारे लोग कैश ट्रांजेक्शन्स करते थे। इस दफ़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रॉबली ये इसको जो है वो एक प्रॉपर एक ऑफेंस बना रहे हैं कि अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो इट विल बी क्रिमिनली इसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, बट स्टिल दैट थिंग इज़ ऑल्सो अनक्लियर कि इसकी आगे कैसे इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी और इसको कैसे लेके चला जाएगा, तो सिर्फ ये भी एक चीज़ जो है अभी तक अनक्लियर है, बट इट इज़ इन द वर्क्स। तीसरी और चौथी पांचवी चीज़ इसके CGT कैपिटल गेंस टैक्स। कैपिटल गेंस टैक्स पहले आपके पास होता था, फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 7.5% और थर्ड ईयर में 5%, और फिर आफ्टर 3 ईयर्स आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपके जो भी प्रॉफिट होता था वो कैपिटल गेंस आपको नहीं लगते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो है वो प्रपोज किया है, इट इज़ प्रपोजल प्रपोज कि जी कि ये कैपिटल गेन टैक्स जो है ये 10 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया जाए। और दूसरी जो चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जी के जो भी पैसा आप रियल स्टेट से कमाएंगे वो दैट वुड बी उसके ऊपर टैक्स जो है वो आपकी इनकम स्लैब के मुताबिक लगेगा। अभी वो इनकम स्लैब्स भी जो हैं वो भी अभी 100% क्लियर नहीं है। 6 लाख से प्लस अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो 30,000 है, कुछ इस तरह से उसकी स्लैब्स हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही नोटिफिकेशंस आएंगे और पॉलिसी क्लियर होगी तो हम वो भी आपको बताएंगे। और फाइनली ये है कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जो है वो FBR 85% ऑफ द वैल्यू करेगा। इसमें भी थोड़ी सी अनक्लैरिटी है क्योंकि जब तक नया FBR टेबल वैल्यूएशन नहीं आती
यू नो वी कांट से अ लॉट अबाउट इट कि क्या प्रॉपर्टी वैल्यूज होंगी और उसके ऊपर टैक्सेशन क्या होगी. प्रॉब्लम जो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है वो ये है कि एक किसी भी फेस के अंदर एक जगह के ऊपर एक 25 का भी प्लॉट है, लेट्स सपोज फेज सिक्स की बात करें, तो फेज सिक्स में 1.5 करोड़ रुपये का भी आपको प्लॉट मिलेगा और आपको 3 करोड़ रुपये का भी प्लॉट मिलेगा. तो ये क्या 85% जो है वो लोएस्ट वैल्यू ऑफ द प्लॉट के ऊपर कैलकुलेट होगी या हाइएस्ट के ऊपर करेंगे? तो फिर तो लोएस्ट वालों के लिए तो बड़ी ज्यादती वाली बात है. तो सिमिलरली जितने भी एफ बी आर वैल्यूज आई हैं वो हमेशा एट द लोअर साइड रही हैं और ऑलरेडी एफ बी आर ने प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हैं. दिस वॉज द टारगेट के जी के वो इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग विथ 50% इसको ये 75-85% तक लेके जाएंगे टू द एक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यूज़. और आपने पिछले 2016 से देखा होगा कि इस सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता एफ बी आर वैल्यूज़ हर साल जो है वो बढ़ रही हैं. लेकिन अगेन इसकी भी अभी नोटिफिकेशन होगी, नई वैल्यूज़ आएंगी, फिर आप पता चलेगा कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है. और ऑब्वियसली बायर को जो 2 टैक्स वहाँ से छूटे हैं बेसिकली वो उसको शायद यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ करने से जो है एफ बी आर वैल्यू की वो जो बेनिफिट उसको उधर से मिला है वो शायद वहाँ से बैलेंस आउट कर रहा हो गवर्नमेंट का ये प्लान. लेट्स टॉक अबाउट इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन द रियल एस्टेट मार्केट. और टू बी ऑनेस्ट अभी इस वक्त इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और गवर्नमेंट को जो है अपनी पॉलिसीज़ को स्टेबल रखना चाहिए रैदर देन के जी के हर एक साल के बाद गवर्नमेंट रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में एक नई पॉलिसी बना दे. उस नई पॉलिसी से अगर कोई नई चीज़ नहीं भी हो लेकिन एक ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, अफरा तफरी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी और एजेंट्स भी और अदर पीपल जिन्होंने कुछ खरीदना होता है वो भी परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होने लगा. तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ कि कुछ नहीं होने लगा. ये सारी चीज़ें वही हैं जो पहले थी, ठीक है. सिर्फ ज़ुबान और कान इधर से पकड़ने के बजाय जो है वो इधर यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, उन्होंने यहाँ से पकड़ लिया. और मैं जब से देख रहा हूँ कि स्पेशली जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसका यही काम होता है कि जनाब थोड़ी सी पॉलिसीज़ को वही पॉलिसीज़ हैं बट उसको करने का तरीकेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है. सो एफ बी आर पहले भी चाह रही थी कि जी के वो वैल्यूएशन इम्प्रूव करें, वो कर रहे हैं. उसके बाद टेक्निकली 2 टैक्सेस कम हो गए, वहाँ से आपको रिलीफ मिल गया. तो जब एफ बी आर वैल्यूज आएंगे फिर एग्जैक्टली पता चलेगा कि जो ट्रांसफ़र की कॉस्ट थी वो पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है. और अगर उसके अंदर 25-50 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है तो वी ऑल अंडरस्टैंड के पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रीमलाइन पे लाने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर को जो है रेगुलेट करने के लिए दे आर गोइंग टू डू दैट. और मेरा ख्याल है 2019 के जो ये बजट है इसके अंदर अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो इसके बाद कोई ऐसी फर्दर मोर ज़रूरत नहीं रहेगी 2020 में या 21 के अंदर कि इस तरह की पॉलिसीज इस तरह की कन्फ्यूजन दोबारा क्रिएट की जाए और कोई नई पॉलिसीज बनाई जाए जिसमें फर्दर कन्फ्यूजन हो. जो इस सारे टेबल के अंदर सबसे जो वरीसम बात है जो मेरे लिए अगर मैं इसको समझता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों तीनों चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नॉन फाइलर्स और ये 50 लाख से ऊपर बैंकिंग चैनल यूज़ करना, ये पहले भी एक तरह से यू नो इट वॉज पार्ट ऑफ द लॉ और लोग लेकिन फिर भी कर लेते थे. आप सिर्फ उसके ऊपर थोड़ी सख्ती कर दी गई है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेरे लिए ये स्लैब का फाइंड आउट करना है कि कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर कितना लगेगा. और ये स्लैब्स फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में क्या होगी, सेकेंड ईयर में क्या होगी और अप टू 10 ईयर्स क्या होगी. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आर दे गोइंग टू यू नो उसकी अभी तक कोई क्लैरिटी गवर्नमेंट ने नहीं दी है. तो पहले 2 साल 3 साल 10% पे होती है, फिर कोई 3 साल 7% पे होती है या फिर अगले 3 साल 5% पे होती है, वॉट एवर दैट इज़. वो चीज़ जब तक क्लैरिटी हमें नहीं मिलती, ठीक है ना, वी कांट से कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे. एक चीज़ ज़रूर है कि अगर ये 10 साल वाली चीज़ जो है ये लग जाती है और इसकी वजह से जो है जनरल प्लॉट होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी. जो लोग फौरी तौर पे प्लॉट ख़रीदते थे और उसके ऊपर जनाब एक ही प्लॉट एक ही साल के अंदर 5 दफ़ा 10 दफ़ा बिक रहा है, ख़रीदा जा रहा है, और आई डोंट नो गवर्नमेंट को इसके टैक्स से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि एक्चुअली जब 5 दफ़ा ख़रीदा जाता है बेचा जाता है तो वो टैक्स गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा होता है. अब अगर वो टैक्स नहीं ख़रीदा जाता और वो नहीं बेचा जाता तो उसका फ़ायदा गवर्नमेंट इस सेंस में देख रही है कि जी के वो पैसा जो है शायद बाहर निकल के जो इन्वेस्ट हुआ हुआ है वो किसी दूसरे सेक्टर्स पर लगे. मैं जनरली विदाउट एनी टेकिंग एनी पॉलिटिकल साइड्स मैं इस पॉलिसी के अगेंस्ट पहले भी था और मैं इस पॉलिसी के अगेंस्ट आज भी हूँ. आप किसी एक सेक्टर को बंद करके या एक सेक्टर के ऊपर कदगन लगा के आप दूसरे सेक्टर्स को डेवलप नहीं कर सकते. जो अच्छी बात है वो ये होती है कि आप दूसरे सेक्टर्स को इतना आप
अच्छी तरह से डेवलप करें और उसके अंदर ऐसी अट्रैक्शंस डालें कि लोग खुद ब खुद उठ के उन सेक्टर्स के अंदर जाएं कि यार यहाँ पर पैसा ज़्यादा बचता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक सोर्स जो है जो ऑलरेडी चल रहा है और लोग उससे कुछ इनकम लेके पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज कोई इतने बिजनेस चीज़ें नहीं चल रही, तो ये पहले भी 2016 के अंदर भी जब ये इश्यूज़ हुए तब भी मैंने यही बात की कि जी कि ये पॉलिसी मेकिंग जो है ये सही नहीं है, ना इस मुल्क के लिए ना लोगों के लिए, क्योंकि जब लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर का रुख करेंगे। दुबई की मार्केट के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट में जो पिछले दिनों से, क्योंकि हम दुबई का काम कर रहे हैं, आई एम रिसीविंग सर्टेन कॉल्स, जो लोग चाह रहे हैं कि यार अगर यहाँ पर ये इतनी टैक्सेशन और होगी तो दुबई विल प्रॉबली बिकम टैक्स हेवन फॉर पीपल जो पाकिस्तान से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो इस तरह के कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। एंड लेकिन मैं अभी आपको कहूँगा कि आप किसी एजम्पशंस पे बात मत करें, लेट्स वेट एंड सी आउट व्हाट हैपेंस। कैपिटल गेन टैक्स अगर 5% है फिर तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं, अगर 10% है पहले साल, इस तरह पहले था, दूसरे साल तीसरे साल पे जाके थोड़ा सा उसका कम हो जाता है, अगर तो वो है फिर इट इज़ नॉट एन इशू। क्योंकि अगर आप 5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं और अगर आपको उसमें से जो है वो 10-20 लाख रुपये टैक्स देना पड़ता है, वो आपको देना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, ये जितनी भी आपकी इनकम स्लैब्स बन रहेंगी वो आपकी इवन सेविंग्स अकाउंट के ऊपर बनेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसके बाद आपने बैंक के अंदर कोई पैसे डिपॉजिट कराए हैं जहाँ से आपको 1 लाख रुपए आ रहा है, तो आपकी 2 लाख की स्लैब होगी ऑटोमेटिकली। और फिर उसमें आपने रियल एस्टेट के अंदर अगर आपने कोई 1 लाख रुपए कमा लिया तो आप ऑटोमेटिकली 3 लाख वाली स्लैब में चले जाएंगे, क्योंकि वो तीनों एक्युमुलेट होंगी। तो ये जो टैक्सेशन है ये सिर्फ रियल एस्टेट के ऊपर नहीं है, ये आपके हर तरह के इनकम सोर्स के ऊपर है, चाहे वो पैसे बैंक में पड़े हों, चाहे वो पैसे जो है वो कहीं और पड़े हो, यू नो आप किसी और सोर्स से कमा रहे हो, चाहे बिजनेस से है, चाहे किसी स्टॉक एक्सचेंज से है। बहरहाल ये अभी क्लैरिटी नहीं है, अभी तक जो लोगों को समझ आ रहा है वो यही है, और मेरे ख्याल के अंदर के इसको फॉलो थ्रू नहीं होना चाहिए, और इसको रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर या दूसरे सेक्टर से जो आप कमा रहे हैं उनको इंडिविजुअल टैक्सेशन होनी चाहिए। आप उसको जो है वो एक सिंगल स्लैब के अंदर जो है वो इनकम टैक्स की स्लैब के अंदर उसको नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट बिकम्स डबल टैक्सेशन। आपने एक चीज़ खरीदी, उसके टैक्सेस दिए, चीज़ें दी, फिर आपने जब उसको किया आप दोबारा डबल टैक्सेशन दे रहे हैं जब आप उसको बेच रहे हैं। सो दैट इज़ अ बैट रॉन्ग इन माई ओपिनियन, और इसलिए अभी तक की जो चीज़ें हैं मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होगा, बट वी हैव टू वेट एंड सी। और 30 जून के बाद हमें एग्जैक्ट पिक्चर और क्लैरिटी हमें मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये चीज़ें क्लियर होंगी हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे और आपको सारी डिटेल से आगाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।